सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरी नई नई वीडियोस को देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक न्यू ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ जो कि है एंगेजमेंट मेकअप लुक पर, और मैं आपको इसमें थोड़ी सी टिप्स भी दूंगी कि आप आपके एंगेजमेंट में किस टाइप का लहंगा वेयर कर सकते हैं, कौन से कलर का लहंगा वेयर कर सकते हैं और किस टाइप की ज्वेलरी वेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप आपके एंगेजमेंट में एकदम लाइट कलर के लहंगे वेयर करें, जैसे कि पिच कलर है, बेबी पिंक कलर है, स्काई ब्लू कलर है। ये बिल्कुल जो लाइट से लहंगों का कलर होगा ना, वो आपको एकदम फेरी टेल वाली क्वीन जैसा लुक देगा। और लास्ट में मैं आपको ज्वेलरी और मेरे ड्रेसअप के साथ मैं पूरा अपना लुक बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मेकअप कर लेती हूँ। सबसे पहले हम हमारे फेस को प्राइम कर देंगे, जिससे हमारे सारे जो भी ओपन पोर्सेज हैं वो सब लॉक हो जाएंगे और हमारा मेकअप बहुत फ्लॉलेस दिखेगा। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा मैं बहुत ही हार्डली मसाज कर रही हूँ। आपको हार्डली मसाज नहीं करना है, आपको बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपके फेस पर मसाज करना है प्राइमर को। अगर आपको मेरी ट्रिक एंड टिप्स अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और पूरी वीडियो को भी देखें, आपको पता तो चले मैं कैसा मेकअप कर रही हूँ। मैं मेरे मेकअप में सबसे पहले मैं मेरी आईज़ का मेकअप कर लूँगी। आईज़ का मेकअप करने से पहले मैं मेरी आईज़ के ऊपर एज द बेस्ट कंसीलर को लगा दूँगी। मैं पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ आपको कि आप अगर आई शेडो लगाने से पहले कंसीलर को अपने आईलिड्स पर एज अ बेस लगा देते हैं तो आपके जो भी आई शेडो के कलर्स होंगे ना, वो बहुत ही पिगमेंटेड दिखेंगे। मैं आई बटन में लिंक दे रही हूँ, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब मैं इस कंसीलर को कॉम्पैक्ट से सेट कर दूंगी, जिससे हमारे लिड्स पर क्रैक्स नहीं बनेंगे। अब मैं एकदम लाइट सा ब्राउन शेड लेकर मेरी लिड्स पर अप्लाई करूंगी। अब मैं पिच आई शेडो पिक करूंगी एंड इसी के साथ ब्लेंड करूंगी। एंड थोड़ा सा कोको कलर लेकर मैं मेरी क्रीज्ड लाइन को डीप करूंगी। मैंने यहाँ पर ब्रश चेंज कर दिया है, मैं पहले यूज़ कर रही थी फ्लफी ब्रश एंड अब यूज़ कर रही हूँ एंगुलर ब्रश। इसको मैं पूरा एक साथ में स्मूथली ब्लेंडिंग कर लूँगी। इसमें भी मैं आपको एक सेम चीज़ बता रही हूँ, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेती हूँ क्योंकि टाइम की बचत हो और आप पूरी वीडियो देख पाएँ इसलिए। तो मैं जो ब्लेंडिंग करती हूँ वो बहुत ही सॉफ्टली करती हूँ। अगर आपको लग रहा हो हार्ड ब्लेंडिंग कर रही हूँ, नहीं, बिल्कुल सॉफ्टली ब्लेंड कर रही हूँ। उससे ही मेरे जो आई शेडो के कलर है बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होते हैं। अब मैं मेरी क्रीज को कट कर लूँगी। मैं क्रीज को कट इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे जो आई लुक क्रिएट करना है वो कट टू क्रीज वाला करना है, नहीं। मैं इसलिए कट टू क्रीज कर रही हूँ क्योंकि जो मैं मेरे इनर कॉर्नर पे गोल्डन शेड लगाऊंगी वो बहुत अच्छा पिगमेंटेड दिखेगा। इससे हमको यानी फैला फैला सा नहीं दिखेगा उससे। तो हमको कंसीलर को फ्लैट ब्रश में लेकर एंड हम इसको हमारी फिंगर की हेल्प से ही अच्छे से ब्लेंड करेंगे। एंड इसके ऊपर हम किसी भी सेटिंग पाउडर का यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे हमको जो भी शेड हमारे इनर कॉर्नर में लगाना है। एंड अगेन हम इस फ्लफी ब्रश की हेल्प से ऊपर वाले एरिया को साथ में ब्लेंड कर देंगे, जिससे लाइन ना दिखे। एंड मैं गोल्डन शेड मेरी लिड्स के सेंटर में अप्लाई करूंगी, जिससे मेरी आईज बहुत ही अच्छी पॉप आउट होंगी। अब मैं आईलाइनर लगा दूंगी। मैंने मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन कर लिया है। अब मैं
मेरे फेस पर फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। मैंने मेरे पूरे फेस पर फाउंडेशन अप्लाई कर दिया है। अब मैं मेरी अंडर आई कंसीलर को लगा दूंगी, क्योंकि मेरे तो ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं हैं। अगर आपके डार्क सर्कल्स ज़्यादा हैं तो आप पहले कलर करेक्टर का यूज़ करें। कलर करेक्टर के यूज़ मैंने एक वीडियो में किया है, उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और हाँ, मुझे मेरे व्यूवर्स से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो वीडियोस को देखते तो हैं पर लाइक ही नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते मेरे चैनल को। प्लीज़ लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी क्या आपसे मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स पर आपको वीडियो बना बना के दिखाती रहूँगी। मैंने कंसीलर अंडर आई बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और अब मैं मेरे फेस के जो भी हाई पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करने के लिए कंसीलर का यूज़ करूँगी। एंड अब मैं इस फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट का यूज़ कर रही हूँ। आज मैं क्रीम कॉन्टोर यूज़ नहीं कर रही हूँ, आज मैं ब्रॉन्जर यूज़ करूँगी। अब मैं मेरे फेस की कॉन्टोरिंग करूंगी, वो भी मैं ब्रॉन्जर से। आप देख सकते हैं ब्रॉन्ज करते ही मेरे फेस पर एकदम फेस स्लिम होने का लुक आ चुका है। अगर आपका फॉरहेड बड़ा है तो आप थोड़ा सिर पर भी कर सकते हैं कॉन्टोर, जिससे आपका सिर थोड़ा सा छोटा लगेगा। यूँ लगेगा ना कि आपके बेबी हेयर्स आ चुके आगे। जिनकी डबल चिन है, अगर उनको उनके फेस की जॉ लाइन को अच्छा शार्प लुक देना है तो वो कॉन्टोर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने फिर मेरे फेस पर ब्रॉन्जर यूज़ कर लिया है, अब मैं मेरे फेस पर ब्लश लगाऊंगी। फेस पर तो क्या बोल सकते हैं, चिक्स पर, जिससे हमारा फेस बहुत ही अच्छा और क्यूट क्यूट सा दिखेगा। आप देख सकते हैं मेरे फेस पर कितना पिंकी पिंकी एकदम सा लुक आ गया है। अब मैं मेरे आईब्रोज को फिल कर दूंगी। मैंने मेरी आईब्रोज को बहुत ही अच्छे से फिल कर दिया है और कॉम भी कर दिया है। अब मैं मेरे फेस को हाईलाइट करूंगी। मैंने मेरे फेस को अच्छे से हाईलाइट कर दिया है। अब मैं मेरी आईज़ की वाटर लाइन के जस्ट नीचे थोड़ा सा ब्राउन शेड लेकर स्मोकी लुक क्रिएट कर दूंगी। बहुत जनों का इशू रहता है कि हम आईलैशेस कलर से भी आईलैशेस कर्ल ज़रूर कर रहे हैं पर वो है ना लॉन्ग टाइम तक होल्ड नहीं हो रही है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ना, कोई भी आप हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे हैं और उससे थोड़ा सा इसको वार्म होने दें। वार्म उतना ही रखें जितना आप, जिससे जले नहीं, नहीं तो आपकी आँखों का सवाल है, जल भी सकते हैं। अब मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी। अब मैं सबसे लास्ट में यूज कर रही हूँ ग्लिटर, जो कि मैं लगाऊंगी मेरी आईलाइनर के जस्ट अपर। अब मैं लिपस्टिक मेरे लिप्स पे अप्लाई करूंगी। लिपस्टिक लगाने से पहले मैं मेरे लिप्स को अच्छे से शेप कर दूंगी। अब मैं इस पूरे मेकअप को सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे का यूज़ करूँगी। अब मैं फॉल्स आईलैशेस लगा दूँगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल मेकअप। अब मैं आपको दिखाऊँगी मेरा फाइनल लुक। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।